भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ हुआ, जिसमें चार सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह तथा युवा मोर्चा के भारतीय जनता क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह रहे। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने बुके, अंगवस्त्र एवं मोमेंचो से उनका स्वागत किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा का इतिहास एवं विकास तथा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। भाजपा जो मजबूत हुई, देश भी सशक्त हुआ। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के इस अभियान में हर भाजपा कार्यकर्ता को मनोयोग से लगकर देश की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं के समर्पण की विचारधारा भाव से काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी समन्वयक व सामूहिक लोगों का पार्टी है। सामूहिकता के आधार पर पार्टी को आगे लेकर जाना है। विवेकपूर्ण सिद्धांतवादी समावेशिक रूप देकर कार्य करना होगा। भाजपा ही एक दल है ऐसा जो कार्यकर्ता अपनी चिंता ना करते हुए देश व समाज की सेवा में कार्य करता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री पवन यादव, सूरज राय, रंजीत सिंह, श्रीनेत्र, अंबिकेश धर दुबे, रितेश सिंह, रिंकी चंद, हिमांशु श्रीवास्तव, राहुल गिरी, राहुल चौबे, राणा स्वय मिश्रा, अमित नारायण मल, संजू यादव, अभिषेक श्रीवास्तव, अनामिका सिंह, अवनीश चौधरी, प्रभाकर पांडे, रितेश सिंह, प्रिंस तिवारी, विजय जायसवाल सहित महानगर के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जिला प्रशिक्षण वर्ग के विधिवत शुभारंभ के लिए मैं अपने अतिथि स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैं वंदे मातरम गायन के लिए हमारे साथी उपाध्यक्ष परमवीर सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम सुभ्रजोत्मृदल शोभिनी सुभासिनी सुमधुरवासिनी सुखदम क्षेत्र के यशस्वी एवं लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष देखकर मैं महाराज अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा जी को स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। का स्वागत अभिनंदन करके इस सत्र का शुभारंभ करें। संगल में गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय एवं यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई सत्यार्थ मिश्रा जी, इस वर्ग में उपस्थित गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री भाई पवन यादव जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष भाई सूरज राय जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष और महानगर के प्रवासी भाई मनमोहन सिंह अप्पू जी, युवा मोर्चा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि युवा मोर्चा महानगर और जिले स्तर पे प्रशिक्षण वर्ग कर रहा है। इससे पहले जो प्रशिक्षण वर्ग होते थे वो राष्ट्रीय होते थे और बहुत ज्यादा अगर हम लोग प्रयास करते थे तो प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण होते थे, लेकिन कभी भी महानगर और जिले स्तर पर प्रशिक्षण युवा मोर्चा ने नहीं किया। युवा मोर्चा ही नहीं, किसी अन्य मोर्चे ने भी कभी महानगर और जिले स्तर पर प्रशिक्षण नहीं किया। आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर बराबरी पर सभी कार्यक्रम अभियान कर रहा है, इसके लिए मैं पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हमारे
युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, चाहे जो भी अभियान कार्यक्रम हो, आप भारतीय जनता पार्टी का अभियान देख लीजिए और युवा मोर्चा का अभियान देख लीजिए, दोनों अभियान आपको बराबर दिखेंगे। आज के समय जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, उसी प्रकार युवा मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ अभियान और कार्यक्रम कर रही है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में, भारत में पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले और महानगर स्तर का प्रशिक्षण हो रहा है। आज जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुझे प्रशिक्षण का विषय दिया गया है, वो विषय हम सभी के बीच में प्रतिदिन उपस्थित है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं, अगर हम योजनाओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में देश में आई और पूज्य योगी जी की सरकार 2017 में आई। 14 से पहले देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका केवल एक ही उद्देश्य था, इस प्रकार गांधी परिवार की जेल भरना। आप किसी योजना को ले लीजिए कि वो मंच पर आकर के इस सत्र का शुभारंभ करके हम सभी का अभिवादन व मार्गदर्शन प्राप्त करें। क्षेत्र के गोरखपुर महानगर में जो निवास करने वाले युवा मोर्चे के क्षेत्र के सभी सामान्य पदाधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टियां उसे गृहनिवास कहती हैं, और हम लोग जिस वैचारिक अधिष्ठान में काम करते हैं उसको प्रशिक्षण का नाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पूरे देश भर में इस प्रकार के प्रशिक्षण अभियान को चलाती है और इस बार एक अच्छा सुयोग्य अवसर है कि जब पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सभी मोर्चे उनका भी प्रशिक्षण वर्ग होगा और ऐसे में युवा मोर्चा का एक प्रशिक्षण वर्ग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। गोरखपुर महानगर के इस प्रशिक्षण वर्ग में अभी तो एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, आगे विचार करके बाद में इसको दो दिन का भी किया जाएगा, सत्र भी बढ़ाया जाएगा, विचार सत्रों में चल रहा है। मेरा नाम सत्यार्थ मिश्रा है, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रांशुदा द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ है, जिसे के निमित्त गोरखपुर महानगर के इस प्रशिक्षण वर्ग में आप देख सकते हैं महानगर के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री, यहाँ पर चार सत्र चलेंगे और चारों सत्रों में हमारे मुख्य अतिथि तय हैं, वो आएंगे हम लोगों को प्रशिक्षित करने का। हम लोग प्रशिक्षित होंगे यहाँ पर, उनके भाषणों से हम लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चार विषय हैं, चार हमारे मुख्य अतिथि हैं, जैसे कि पहले मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा हैं, दूसरे मुख्य अतिथि हमारे गोरखपुर महानगर के महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय जी हैं, तीसरे सत्र के हमारे अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं भाजपा, चौथे सत्र के हम लोग के मुख्य अतिथि हैं बाबूराम निषाद जी जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के प्रभारी हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अवसर है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए, एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिला स्तर पे हम लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्कूल, जैसे एक स्कूल का सेटअप होता है आप देख सकते हैं, उसी तरह हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। दिन भर हमारे सभी मोर्चे के पदाधिकारी दिन भर रह करके विभिन्न सत्रों में अलग अलग विषयों पर हमारा विचार क्या है, परिवार क्या है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा क्या है, कैसे उसकी इतिहास और विकास क्या है, इन सब विषयों पर बैठ करके उनकी जानकारी करना और थोड़ा विचार से लैस होकर के काम करें, इसके दृष्टि से प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक तभी काम कर पाता है जब वो वैचारिक रूप से वो पुष्ट हो, और इसलिए समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते हैं ताकि अपनी विचारधारा के आधार पर
भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के आधार पर काम करने वाला संगठन नहीं है, ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित है। और ये तभी हो पाता है जब कोई विचारधारा के आधार पर प्रतिबद्ध होकर करे। और इसलिए समय समय पर इस प्रकार से के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं, विभिन्न विषयों के बारे में, वैचारिक अधिष्ठान के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार अपनी विचार यात्रा को प्रारंभ किया और कभी भी उन्होंने उतार चढ़ाव के आधार पर कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया, इन सब विषयों को इन कार्यकर्ताओं के सामने रखा जाता है।